शिक्षा जगह की मोहताज नहीं होती, यह साबित किया है पांचवी कक्षा में पढ़ रही आध्या ने। मुरादाबाद के गांव करणपुर के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ रही आध्या से जब उसका परिचय लिया गया तब उसने अपना परिचय अंग्रेजी में दिया। और आध्या ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा देखने को मिला। प्रधानाध्यापक से बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी छात्रों को इसी तरह से शिक्षित किया जाता है ताकि वह भविष्य में विद्यालय का व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। Morning, it is time to get up. Ravi wishes his mother good morning. It is a quarter to nine. Ravi has had his breakfast. He is going to school. It is half past two. I am Safiya. I read in class third. My school's name P.S. Karanpur. My father's name Mr. Zulfikar. My mother's name is Mrs. Shamshir Begum. आज हम अपने एडिटिंग क्लास से माई स्कूल नेम इज प्रयास करणपुर। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय विचार, अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय एकता वैयक्तिक गरिमा और राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत व समर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस स्तर पर यहाँ शिक्षा को प्रावधान दे रहे हैं, किस स्तर पर दिखा रहे हैं कि शिक्षा जगह और पैसे की मोहताज नहीं होती, वो केवल और केवल मेहनत का नतीजा होता है। बच्चों ने यहाँ आपको रिजल्ट दिखाया कि किस तरह से वो मेहनत करके इस लेवल पर पहुंचे हैं। हमारा मानना है कि यदि शिक्षक अपनी पूरी मेहनत करें और बच्चे अपना पूरा ध्यान दें तो शिक्षा का स्तर प्राथमिक विद्यालय से भी काफी ऊपर तक ले जाया जा सकता है, ना कि केवल पैसे के बल पर।